हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द आवर न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तभी सुबह के बज रहे 8 और मैं चली नाश्ता लाने के लिए। तो यहाँ पे दिए है हम इची को नाश्ता, और आज नाश्ता में है कचौड़ी और सब्जी और संदेश। तो ये हमने निकाल दिया ऋषि का नाश्ता, और चलते हैं अब ऋषि को नाश्ता दे देते हैं। नाश्ता लो। तो हम लोग भी नाश्ता करने के लिए आ गए हैं, और हम लोग का भी नाश्ता लग चुका है। अब हम लोग भी नाश्ता करते हैं। जय श्री राम। और ये खाना भी स्टार्ट कर चुके हैं। नाश्ता करके तैयार होके ही जा रहे हैं शॉप पे। तो ये निकल गए शॉप के लिए जा रहे हैं। तो आज दिन में बनाएंगे कढ़ी। उसके लिए देखिए, हम बेसन को अच्छी तरह से फेंट लिए हैं, क्योंकि सब बोला कढ़ी खाएंगे। तो बेसन मेरा बहुत अच्छा से फिटा गया है। अब इसमें डाल रहे पकौड़े। तो कढ़ी में कढ़ी पत्ता का छौंक लेने के लिए हम एकदम गार्डन का फ्रेश कढ़ी लीव्स तोड़ के लाए हैं, जो कि अब इसमें डालेंगे। तो हम अभी आए हैं गार्डन, और देखिए मेरा दोनों बंधन लोग क्या कर रहा है। तो क्या हो रहा है? ताना जी का शूटिंग हो रहा है क्या? ताना जी का शूटिंग बस किसी को लगा है। अच्छा से अरे अच्छा से किसी को लगा नहीं। फ्लिपकार्ट में एक साड़ी ऑर्डर किए थे, तो देखिए वो पार्सल अभी आया है। तो हम देखते हैं साड़ी कैसा है, तो फिलहाल उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये रहा साड़ी। तो पहले देखते हैं साड़ी का क्वालिटी कैसा है। दोपहर का लंच लेने के लिए बैठ गए हैं। अभी इसके पापा, इची के पापा नहीं आए हैं, वो हो गए हैं बाहर थोड़ा। तो आज हम इनके बिना ही लंच कर ले रहे हैं। आज लंच में है बासमती राइस और कढ़ी। तो ये आ गए मार्केट से, और अभी शाम के 4 बज गया है। बहुत लेट हो गया इनका खाना खाने में। और मेरे लिए कितना सारा मिस्टी लिखा है, छेना जलेबी, मेरा फेवरेट मिस्टी ये है, मिस्टी छेना जलेबी। हम इसे खाते हैं। यहाँ पर हम दे दिए है बूंदिया खाने के लिए, क्यों इची बूंदिया खा के। अभी 4 बज रहे तो सर आ जाएंगे। तो इची देखो इधर, देखो फटाफट खा लो, और कम कर देते हैं, ट्यूशन पढ़ने पर जौसा जी आते होंगे। ठीक है, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5, और हस्बैंड चले गए हैं चाय पी के शॉप पे। तो हम भी चलते हैं छत से, पहले कपड़ा उठा लेते हैं, उसके बाद झाड़ू मारेंगे। तो पहले चलते हैं, चलिए छत पे कपड़ा उठाने के लिए। तो पहले लाइट दे देते हैं। आ गए हैं अब छत, फटाफट कपड़ा उठा लेते हैं। कपड़ा उठा लिए पर कपड़ा बहुत ज्यादा है, तो हम ऋषि को थोड़ा बुला लेते हैं ताकि वो गेट लॉक कर दे। ऋषि, तो मम्मी यहाँ पर आराम से कपड़ा लेके आ रही मस्त होके। अरे मम्मी, हाँ मम्मी का पोपट हो गया, मम्मी गिर गई नीचे। तो अभी हम कपड़े लेकर आ रहे थे, और मेरा पैर अनबैलेंस हो गया, क्योंकि सीढ़ी में पूरा बाजार बना हुआ है, तो बहुत जोर से चोट लग गया पैर में। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, और फाइनली ऋषि को याद आया कि उसने 5 मंगलवार बजरंगबली को घूस देकर रखा था कि लड्डू चढ़ाएंगे, पर वो भूल गया था। तो उसे अभी याद आया, तो अभी गया मेन गेट, और वो लेकर आया लड्डू, और भगवान जी को चढ़ा रहा है। तो ये ऐसा है, इसे याद भी नहीं रहता कुछ। लड्डू एक्सेप्ट करेंगे तो तुम्हारे, तू तू एक सेकेंड, मतलब तुमको जब याद, तू 12 बजे रात को याद आता, तू 12 बजे रात को चढ़ाता है क्या? फिर एक्स्ट्रा घूस दे देते हैं। तो अच्छा, ये तो मतलब है, अब तुम्हें 10 तो कर देते हैं, मतलब तुम भगवान जी को भी रिश्वत देकर खाते हो। एक तो तुम घूस देते हो, अभी प्रॉपर नहीं चढ़ाते हो। और यहाँ पर ईचे भी पूरा पगला गया, पता नहीं क्यों उड़ने का मन कर रहा है। लाओ ईचे चप्पल लेकर, ये मेरे नए रात के शाम के बज रहे 8, और बच्चों ने कहा कि मुझे भूख लगा है, तो बासमती राइस बचा हुआ था, तो मैंने उसे फ्राई राइस बना दिया। मटर छेमी अनियन वगैरह डाल के अच्छा से फ्राई राइस बना दिया। तो दाल तो मेरा डाइनिंग पर पूरा बाजार लगा हुआ है, कहने का ही नहीं है कि डाइनिंग टेबल लेने क्या है, पर कोई नहीं, घर ऐसा ही होता है। और यहाँ पे ये इची खा रहे हैं, कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा है ना? पर प्रॉपर ऋषि बैठा हुआ है, पर राइस से तो ज्यादा ही कढ़ी लेके बैठ गया। क्या करना है बेटा इसको, कढ़ी को? तो एक काम करना, पूरा हांडी ही ले आ, उसी को उठा के पी ले, हम अभी लाके दे दे रहे, रुक जा। ठीक, फिलहाल अभी रात के बज रहे 10, और ये आ चुके हैं शॉप से, और हमने इनको डिनर दे दिया। और आज डिनर में हमने आलू के पराठे बनाए हैं। तीनों ने बोला कि मुझे बिना ऑयल का बना दो, तो मैंने इन्हें बिना ऑयल का दिया, और हम लोगों ने ऑयल डाल का बनाया, और उसके साथ इन्होंने बूंदिया लिया, सुबह की कढ़ी है। ठीक है, तो फिलहाल आज रात के 11:15 बज चुके हैं, क्योंकि बच्चों लोग को संग थोड़ा खेल रही थी, इसलिए टाइम बहुत जल्दी स्पेंड हो गया। तो चलते हैं फिलहाल बच्चों लोग को सुलाने के लिए डांट के, नहीं तो वो लोग मोबाइल पे ही रहेंगे, और फिर सिर्फ
खेलने का जिद करेंगे, पर सुलाना बहुत ज़रूरी हो क्योंकि सुबह इची का ऑनलाइन क्लास रहता है, ऋषि का क्लास रहता है। तो फिलहाल सबको डांटते हैं और ले चलते हैं बेड पे, इसलिए मैं इस ब्लॉग को वहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।